क्या आप जानते हैं किसने बसाया था बुलंदशहर और क्या है महर्षि भृगु की तपस्थली? दुर्योधन ने किस स्थान पर भीम को दिया था जहर और वह स्थान जहां राजा युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों के दिए थे उत्तर? माटी की विरासत की इस यात्रा में आज हम ढूंढेंगे इन सभी सवालों के जवाब और पड़ताल कर जानेंगे इससे जुड़े रोचक तथ्य। लखनऊ से सड़क मार्ग से लगभग 503 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुलंदशहर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। आज का बुलंदशहर 1200 वर्ष पूर्व बरन के नाम से जाना जाता था। यहाँ राजा अहिबरन ने एक किले का निर्माण करवाया था, जिसके बाद राजा अहिबरन ने अपनी राजधानी बरन शहर के नाम से यहीं पर स्थापित की थी। बाद में धीरे धीरे इस शहर का नाम बरन शहर से बदलकर बुलंदशहर हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भी राजा अहिबरन के वंशजों ने वर्षों तक बुलंदशहर पर शासन किया। उन्हीं में से एक राजा हुए अनूप राय, जिन्होंने बुलंदशहर से 42 किलोमीटर दूर अनूप शहर नाम का एक नगर बसाया था, जो आज भी मौजूद है, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। अनूप शहर महर्षि भृगु की तपस्थली है, जिसे भृगु आश्रम के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक तथ्यों के अनुसार महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। इस यात्रा के दौरान बलराम इस क्षेत्र में आए और यहां तपस्या की थी। इसके चलते इसको बलभद्र नगर कहा जाता था। इसके साक्ष्य के रूप में अनूप शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित आहार गांव में पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई खुदाई के दौरान महाभारत कालीन कई प्रकार के अवशेष भी मिले हैं। महाभारत कालखंड में बाल काल में दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए खाने में मिलाकर जहर दिया था और बेहोश होने पर भीम को गंगा नदी में फेंक दिया था, जिसके बाद भीम नदी में तैरकर गांव अहर पहुंचे, जो उस समय नागवंशी शासकों द्वारा शासित था। नागवंशी शासकों ने भीम को बचाया और उसे ठीक कर हस्तिनापुर के लिए वापस भेजा था। अहर गंगा नदी के तट पर स्थित है और भगवान शिव और देवी अवंतिका के प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। देवी अवंतिका देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। बुलंदशहर के दक्षिण में स्थित काली नदी के किनारे भूतेश्वर मंदिर प्राचीन काल से स्थापित है। इस मंदिर के बगल में एक कुंड है। मानता है कि यह वही कुंड है जहां पर राजा युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किए थे। स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो बुलंदशहर के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में दादरी और सिकंदराबाद क्षेत्र के योद्धा प्रमुख रूप से शामिल हुए। देश की धरोहरों की पौराणिक ऐतिहासिक यात्रा के लिए माटी की विरासत देखते रहिए। इस तरह की विशाल जानकारी वाले वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। उत्तर प्रदेश के ऐसे ही गौरवशाली विरासतों को खंगालते हुए अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे।